हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SNS लर्निंग। और ये आपकी मैथमेटिक्स की फोर्थ क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 159 और माय डेट है 2 फरवरी 2021। तो बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन लिखना है, ए सेक्शन में है, बी में है, सी में है या डी में है, वो सेक्शन मेंशन करना है। फिर आपको बेटा यहाँ पे अपना नाम लिखो और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखो। ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी हिट कर देना। तो पढ़ते हैं कि टिक 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 टिक, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए आज हम अपना कार्य इस छोटी सी कविता से शुरू करते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 चलती है, हर घंटे के बाद में डिंग 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 करके बजती है। इसे देखकर पता है चलता कब खाना कब पढ़ना, इसे देखकर पता चलता है कब उठना कब सोना। तो ये हमारी क्या है, ये हमें घड़ी ही बताती है। हर किसी के घर में घड़ी लगी होती है, या तो ऐसी लगी होती है या वाल घड़ी ऐसी लगी होती है, ठीक है। ये घड़ी होती है, एक घंटा जब होता तो उसमें 60 मिनट होते हैं हमारे, ठीक है। तो हाँ बच्चों, हम घड़ी समय की बात कर रहे हैं। आमतौर पर घड़ी में दो सुइयां होती हैं, बड़ी सुई मिनट की और छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। छोटी सुई मतलब जिसकी लेंथ जो छोटी होती है वो क्या होती है, घंटे की, और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट को दर्शाती है। यदि मिनट हाथ एक पर है इसका मतलब है 5 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है अब क्या है बड़ी सुई का स्थान। अगर बड़ी सुई एक पर है तो कितने मिनट होते हैं, 5। अगर बड़ी सुई दो पर है तो 10, तीन पर है तो 15, ठीक है। इसमें क्या है, 5-5 का गैप होता रहता है। आप ये जब कर रहे हैं उस टाइम अपने सामने घड़ी रखिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 4 पे है 20, 5 पे है तो 25, 6 पे है तो 30, 7 पे है 35, 8 पे है तो 40, 9 पे है 45, 10 पे है 50, 11 पे है 55 और 12 पे है तो हम 60 लगते हैं। और 60 के बाद क्या है, ये क्या है, एक घंटा माना जाता है, ठीक है। तो ये आप अपना फिल कर लेना। अब है समय पर काम करने के लिए बनाई गई तालिका को समय सारणी टाइम टेबल कहते हैं। रश्मि ने अपने लिए एक समय सारणी तैयार की, समय सारणी मतलब टाइम टेबल। उसके सारणी के अनुसार नीचे दिए गए काम के घड़ी में दर्शाना है, जैसे 9:30 पढ़ना उसने दर्शाया है। छोटी सुई क्या है, घंटे को दर्शाती है, और बड़ी सुई क्या दर्शा रही है, मिनट को। ऐसे ही हमें बनाना है। अब हमें 1 बजे बनाना है। 1 बजे, 1 बजे कैसे बनेगा, छोटी सुई हमारी किस पे होगी, 1 पे, और बड़ी सुई किस पे होती है, 12 पे। तो हमारा 1 बजे बच गया। 6:45, बड़ी सुई हमारी छोटी सी 6 से बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, क्योंकि 6 बज चुके हैं, अब 7:45 हो जिसको बोलते हैं, और बड़ी सुई हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। फिर क्या है, 9:15 पे छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई यहाँ पे, तो ये हमारा 9:15 बन गया। ऐसे ही आप बना लें। अब है कि बच्चों आप सभी अपने प्रतिदिन के कार्यों की सारणी बनाइए तथा किन्हीं 5 कार्यों जैसे उठना, नहाना, पढ़ना, खाना, खेलना, सोना, टीवी देखना के समय में घड़ी बताएंगे। जैसे हम उठते हैं 7 बजे, ठीक है, कैसे बनाएंगे आप, यहाँ 12 लिखते हैं आप, ठीक है, एक दोबारा से एक घड़ी बना लेंगे आप, ठीक है, यहाँ 12, 6, 3, ये इस तरीके से लिखें ताकि आराम से हो जाए। फिर 1, 2, या मैं आपको इसी घड़ी, ये आपको 5, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। जैसे आप 7 बजे उठते हैं तो छोटी सुई 7 पे और बड़ी सुई 12 पे, इस तरीके से बनाना है। ये आप उठ गए, उठना हो गया ये आपका, ठीक है। आपका क्या है, उठने के बाद आप नहाते कितने, आप 7:30। तो मैं आपको इस वाली घड़ी पे ही बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको घड़ी बताई है वैसे आप बना लेना, मैं इसी पे आपको बना के दिखा रही हूँ। 7:30 कैसे बनेंगे, छोटी सुई 7 पे, बड़ी सुई 6 पे, ठीक है। कितने बज गए, 7:30। आप क्या करते हैं, नहाते हैं, नहाना, क्योंकि इससे बीच में आप 7 से उठकर घूमते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, नहाते हैं। नहाने के बाद आप फिर खाते हैं, लेकिन ठीक है, अब इसको उन्होंने हमें खाना बताया तो हम खाना ही बताएंगे। तो हमने खाना किया है, इसके बाद हमने नाश्ता जैसे कहते हैं हमने किया 8 बजे, छोटी सुई 8 पे, बड़ी सुई, ये हो गया हमारा खाना, नाश्ता जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, AM, 8 AM। खेलना, खेलना हमने क्या, खेलना हमने थोड़ा सा पढ़े, और हम क्या है
लेकिन हम शाम को अधिकतर खेलते हैं, सब बच्चे सब मिल जाते हैं, तो हम 4 बजे खेलेंगे। 4 बजे कैसे खेलेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ये पे 4 PM, ठीक है, दोपहर में ये हमारा हो गया। अब हमें बनाना है टीवी देखना, हम टीवी क्या है, हम 8 बजे टीवी देखते हैं। हम 8 कैसे बजाएंगे बनाएंगे, या हम टीवी 6 बजे भी देख सकते हैं। 6 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बड़ी सी छोटी सुई और बड़ी सुई यहाँ पे, ठीक है, हमारे 6 PM, ठीक है, ये हो गया। आप इसी तरीके से बनाना है आपको। और ये दूसरा क्या है कि गिनकर बताइए कि आप निम्नलिखित कार्य 1 मिनट में कितने कर सकते हैं। ये आप ताली बजाना, जैसे ताली बजाते हैं आप 1 मिनट में कितनी बजा सकते हैं, जैसे आपने 72 बार बजाई या 50 बार बजाई, ये आपको लिखना है, या इससे भी कम बजाई, किसने 30 बार ही बजाई, तो वो आपको अलग अलग लिखना है। एक जगह पर कितनी बार कूदते हैं, जैसे मैं कूदी, मैंने कूद के देखा तो मैं कूदी सिर्फ, मैं क्या है, मैं 15 बार ही कूद पाई, 15 बार। उठक बैठक क्या है, उठक बैठक आप जितनी आप लगा सकते हैं, कोई 20 बार भी लगा सकता है 1 मिनट में, ये आपको लिखना है। और 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, और 1 मिनट में, ठीक है। और इस कार्यपत्र को करने में आपको कुल कितना समय लगा, घंटे और मिनट में उत्तर दीजिए। अगर आपको 1 घंटा लगा तो आप 1 घंटा लिख देना, और 1 घंटा कितने होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। और बच्चों के लिए सुझाव है कि बच्चों में समय सारणी के महत्व और समय के सदुपयोग के विषय में बात करें। हमें समय सारणी के हिसाब से अपना काम करना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से हमें इस तरीके से टाइम टेबल सेट करना चाहिए, उसमें हम खेलें भी पढ़ें भी, ठीक है ना, हर एक्टिविटी उसमें हो। तो बच्चों ये आपकी आज की 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।